नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे जून महीने के सेकेंड वीक की, यानी 8 जून से 14 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो होने वाली है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस लगातार आती रहती हैं चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और आल बनकर आएगा, आल लिखकर आएगा, उसको क्लिक कर देना, जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो तो निश्चित ही दोस्तों आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस चैनल का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, आप लोग आंसर करते चलना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछते चलूंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन बताते चलूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रत्येक वर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र के किस आधिकारिक भाषा दिवस को मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग संयुक्त राष्ट्र की कितनी आधिकारिक भाषाएं होते हैं, ये भी बताइए, साथ ही साथ 6 जून को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा दिवस कौन सा है जो मनाया जाता है, बताइए कमेंट करके फटाफट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, जिन लोगों ने रशियन लगाया हुआ है वो करेक्ट हैं, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। कौन कौन सी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं? इंग्लिश होती है, फ्रेंच होती है, चाइनीज होती है, स्पेनिश, अरबी और रशियन। तो ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं संयुक्त राष्ट्र की। और यूनेस्को के द्वारा 2010 से सभी के लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। 2010 के बाद से सभी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर रशियन लैंग्वेज डे के बारे में बात करें तो दोस्तों, रशिया के एक बहुत ही फेमस कवि थे अलेक्जेंडर पुश्किन, तो अलेक्जेंडर पुश्किन की जयंती के याद पर मनाया जाता है ये। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती? अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस कमेंट करके बताओ किसने जीती। तो ये ग्रैंड प्रिक्स जीती है दोस्तों सर्जियो पेरेज ने। किसने? सर्जियो पेरेज ने जीती हुई है, ठीक है। अब देखिए, सर्जियो पेरेज ने इसे जीता हुआ है। सर्जियो पेरेज किस खिलाड़ी, किस टीम से खेलते हैं, यानी किस कंपनी के ड्राइवर हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जो फार्मूला 1 रेस का ड्राइवर है वो किस कंपनी का ड्राइवर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, सर्जियो पेरेज जो है ये रेडबुल के हैं। किसके? रेडबुल के हैं। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बार ग्रैंड स्लैम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता हुआ है, ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर है, ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस सबसे ज़्यादा दुनिया में किसने जीता हुआ है, तो आप बताएंगे लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही ये मर्सिडीज की तरफ से खेलते हैं, मर्सिडीज की तरफ से, ठीक है, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, गुजरात के किस शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? का कौन सा शहर है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो दोस्तों, केवड़िया शहर जो है, केवड़िया शहर है, इसे इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। याद होगा आपको, केवड़िया शहर में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यहां पर बनाई गई है, 182 मीटर की। किसकी मूर्ति है जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला देखते हैं, नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है? नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2021 किसने जीता हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किसने जीता है? तो दोस्तों, इसको थॉमस विजयन ने जीता है। किसने? थॉमस विजयन ने। ये केरल के हैं लेकिन अब कनाडा में रहने लगे हैं, ठीक है। इन्होंने एक फोटो खींची हुई थी जिस फोटो का टाइटल जो है, इस फोटो का टाइटल याद रखिएगा, फोटो का टाइटल था द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। क्या? द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन। तो इसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अगला, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, कब मनाया जाता है बताइए कमेंट करके। दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट डे आता है, जितने भी महीनों का होता है, उसको महीने के एंड होते ही मैं वीडियो बना करके दे देता हूँ, और आप लोग MZT ऐप पर स्टडी मटेरियल से में भी जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी जा करके आप पढ़ सकते हो। तो बताइए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। कब? 8 जून को मनाया जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2008 में घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, 8 जून को मनाया जाता है, 2008 से मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है। अच्छा, इसकी थीम इस बार की क्या रखी गई है? इस बार की थीम रखी गई है दोस्तों, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्या? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, याद रखना है आपको। अगला,
हाल ही में किस फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला? कौन सी फिल्म है जिसको पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला हुआ है? थोड़ा सा हिंट दे दूं, अरुणाचल प्रदेश की वो फिल्म है। कमेंट कीजिए, बताइए कौन सी वो फिल्म है। वाटर ब्यूरिनल, वाटर ब्यूरिनल जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट लगाया है। इस फिल्म के को दोस्तों पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है शांतनु सेन। कौन है? शांतनु सेन जी हैं इसके डायरेक्टर। क्लियर। चलिए अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? 76वें सत्र के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के। अब बताइए आप 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अब्दुल्ला साहिद को बनाया गया। किसे? अब्दुल्ला साहिद को। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे दोस्तों वोल्कन वोजीर। कौन? वोल्कन वोजकिर। वोल्कन वोजकिर इससे पहले थे। अच्छा, अभी एक और आपको याद होगा, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है। किसे बनाया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमोद को बनाया गया है। किसकी जगह पर बने हैं वो? डॉक्टर हर्षवर्धन जी की जगह बने हैं। इनसे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, ठीक है, WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की बात हो रही है, जो कि अब्दुल्ला साहिद को बनाया गया है। ये मालदीव के विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, आपको पता होना चाहिए। विनोद कापरी की ये पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1232 किलोमीटर। चलिए अगला, किस कंपनी को 3 वर्षों के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? ICC का ऑफिशियल पार्टनर अगले 3 वर्षों के लिए जितने भी ICC के इवेंट्स होंगे उसमें ऑफिशियल पार्टनर रहेगा। कौन? भारत पे। कौन? भारत पे। ये 3 वर्षों के लिए ICC का ऑफिशियल पार्टनर है, ठीक है। अच्छा, इस बार अगर आपसे पूछूं IPL का टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो आप बताएंगे कौन है? वीवो इस बार फिर से है, ठीक है। पिछली बार कौन था? ड्रीम इलेवन। अगला देखते हैं, RBL बैंक के दोबारा प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए? RBL बैंक के दोबारा प्रबंध निदेशक, बहुत ईजी है जी, अगर आप लोग ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप आंसर कर दोगे, बताओ। चलिए, विश्ववीर आहूजा जी को दोस्तों बनाया गया है एक बार फिर से MD और CEO RBL बैंक के, ठीक है। अब ये 2010 से ही इस पद पर है, 2010 से ही MD और CEO हैं, 1 वर्ष के लिए और बना दिया गया है, ठीक है। RBL बैंक के बारे में अगर बात करें, इसकी स्थापना 1943 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 में शीर्ष पर कौन है? टॉप पर कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप पर है दोस्तों मध्य प्रदेश है टॉप पर। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है ओडिशा, और थर्ड पर आया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। ये दोस्तों 18वें स्थान पर था 2018-19 में और अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता? बाफ्टा टीवी अवार्ड पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है अभी हाल ही में, आप देख सकते हैं। जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है दोस्तों उस पर मैं वीडियो दे देता हूं, तो जिससे आपको, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, आजकल एग्जाम में जो टॉपिक रहता है चर्चे में वहां से डायरेक्टली वो क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके इतिहास के बारे में, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फ्रेंच ओपन की वीडियो अपलोड हुई है, तो आपको फ्रेंच ओपन में बहुत कम चांसेस हैं जो ये पूछ लिया जाएगा कि फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता या महिला एकल का खिताब किसने जीता। ये तो बहुत ईजी है, ये तो छोटे मोटे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है आपसे पूछ लेगा कि फ्रेंच ओपन का कौन सा संस्करण हुआ, या कब से फ्रेंच ओपन शुरू हुआ, या किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको प्रिपेयर रहना है हमेशा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर बात करें अगर कि लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता, तो किसने जीता है? पाल मेस्कल ने। माइकेला कोयल ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? चुनाव आयुक्त, अभी दोस्तों इलेक्शन कमीशन पर वीडियो अपलोड हुई है इंडियन पॉलिटी के वीडियो कोर्स में। इंडियन पॉलिटी का वीडियो कोर्स जिन लोगों ने लिया हुआ है एप्लीकेशन पर जाएं, देखें, चुनाव आयोग पर वीडियो अपलोड हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पूरा चुनाव आयोग आपको डिटेल में समझाया गया है। फिलहाल आपको बताना है चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किया गया है, तो चुनाव आयोग दोस्तों अभी हाल ही में अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है। भारत के चुनाव आयोग में दोस्तों 3 सदस्यीय होते हैं। भारत के चुनाव आयोग जो होता है वो 3 सदस्यीय होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। ये प्रथा 1993 से शुरू हुई है, इसके पहले केवल और केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे।
फिलहाल बात करें तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा जी, और दोनों चुनाव आयुक्तों में एक है राजीव कुमार जी और एक अभी अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है। अगला, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक बनाया गया? भारतीय नौसेना संचालन का महानिदेशक, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में अभी दो बहुत इम्पोर्टेंट पदों की, या कहें बड़े पदों की नियुक्ति की गई है। एक तो नौसेना संचालन का महानिदेशक, ये यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन नेवल ऑपरेशंस, तो वो तो नियुक्त किया गया है वाइस एडमिरल राजेश पेंधरकर को। और अभी वाइस एडमिरल रवनीत सिंह जी को दोस्तों भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एक और वायुसेना में नियुक्ति हुई है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को वायुसेना का उप प्रमुख बनाया गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर देने की घोषणा की है? तो किसने की है? अमेरिका ने। अमेरिका से भारत की डील हुई थी, फ्री में नहीं दे रहा है, ठीक है, इसके लिए 16,000 करोड़ के देगा भारत, तो इतने में डील हुई थी। और इसमें से तीन की डिलीवरी ये कर रहा है अमेरिका, 24 की डील हुई थी। अगला, टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 की लिस्ट में सीट्स पर कौन है? टाइम 50 की मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 की लिस्ट में इसमें कौन है? रिया चक्रवर्ती। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी को टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल पर्सन और 2020 की लिस्ट में टॉप पर रखा गया है, और रिया चक्रवर्ती उन्हीं की वजह से वीमेन्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। अगला, फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो फेसबुक ने भी अब अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया है भारत के आईटी नियम के तहत, तो अब इन्होंने स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया है। अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ने भी अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। किसे नियुक्त किया था? व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को नियुक्त किया था। दोनों आपको याद रखना है, परेश बी लाल को। ये सीरीज अगर आप लोग फॉलो करते हो ना तो बहुत अच्छे से आपका रिविज़न होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से करंट अफेयर का रिविज़न होगा। तो आप लोग ये वीडियो सीरीज मिस मत करना, आप लोग हमें भी मोटिवेट रखना, हमें आपका ऐसे मोटिवेट रखोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आओगे, इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करोगे, तो वीडियो का रिस्पांस अगर अच्छा आएगा तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको रिविज़न करने में मिलेंगी, मज़ा आएगा। अगला, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब जीता? देखिए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल, इसका खिताब किसने जीता है? बारबोवा क्रेजिकोवा ने। ये कहाँ की हैं? ये हैं चेक गणराज्य की, ठीक है। तो इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने अनास्तासिया पवलेचेंकोवा को हराया है, जो कि रूस की खिलाड़ी हैं। अच्छा, ये तो हुआ मेन सिंगल किसने जीता? तो मेन सिंगल को जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। और नोवाक जोकोविच से इससे रिलेटेड, क्योंकि अभी मैंने फ्रेंच ओपन की वीडियो आपको दी हुई है, आप उसे देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हो तो, ठीक है, उसमें मैंने बताया है कि चारों के चारों ओपन हीरा को जीतने वाले, ये दो दो बार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, चारों ग्रैंड स्लैम को दो दो बार कम से कम इन्होंने जीता हुआ है, ठीक है, टोटल 19 बार जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम। अगला, कथक नृत्य के क्षेत्र में डीलिट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी? कथक के नृत्य क्षेत्र में डीलिट की डिग्री किसे मिला है? विधि नागर जी को मिला है, डॉक्टर विधि नागर, कथक की ये नृत्य की बहुत ही फेमस ये नृत्यिका है। अगला, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। और किसकी याद में मनाया जाता है जी? कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने दोस्तों ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी, ब्लड ग्रुप्स जो ए बी और ओ होता है ना, इसकी खोज इन्होंने की थी, और इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। तो इन्हीं की जयंती पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम आपको याद है, कमेंट करके बताओ थीम क्या रखी गई इस बार। इस बार की थीम रखी गई है दोस्तों, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। क्या? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अगला देखते हैं, 105वें पुलित्जर पुरस्कार 2021 में पब्लिक सर्विस के लिए पुरस्कार किसने जीता? तो जीता है दोस्तों किसने? द न्यूयॉर्क टाइम्स ने। पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों अमेरिका में दिया जाता है, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अगला, हाल ही में माईलैब ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? माईलैब ने दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बहुत ईजी है, अक्षय कुमार को बनाया है माईलैब ने। माईलैब ही दोस्तों वह कंपनी है जिसने सबसे पहले कोविड टेस्टिंग किट बनाई थी,
और इसने ही सबसे पहले सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट भी बनाई हुई है कोविशेल्फ नाम से। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला, फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? टॉप पर कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है क्योंकि यही हमेशा टॉप करती है। DBS बैंक, याद रखिएगा, DBS बैंक जो है यही हमेशा टॉप करती है। फोर्ब्स की लिस्ट में लगातार दूसरी बार टॉप किया है और ग्लोबल टाइम्स वगैरह की लिस्ट में तो ये कई बार टॉप कर चुकी है। अगला, हाल ही में किसे PEN प्रिंटर प्राइज 2021 का पुरस्कार मिला? PEN प्रिंटर प्राइज 2021, बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। PEN प्रिंटर प्राइज 2021 किसे मिला है? सिस्टिसी डोंगरे मबगा को। किसे? सिस्टिसी डोंगरे मबगा को। ये कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे की लेखिका हैं। कहाँ की? जिम्बाब्वे की। और इनको अभी हाल ही में PEN प्रिंटर प्राइज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी पुस्तक थी एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रूथ इवन एडमिस्ट टाइम ऑफ अपहीवल। फिर से बोल ले रहा हूँ नाम पुस्तक का, वैसे बहुत लंबा नाम है, पूछा नहीं जाएगा। एबिलिटी टू कैप्चर एंड कम्युनिकेट विटल ट्रूथ इवन एडमिस्ट टाइम ऑफ अपहीवल, ठीक है। तो इस पुस्तक के लिए इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं दोस्तों? कौन बन गए? संजय यादव। संजय यादव जी को बनाया गया है नया चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। अगला, हाल ही में किसे मर्चेंट भुगतान सेवा प्रदाता पेबैक इंडिया का अधिग्रहण किया? किसने किया है पेबैक इंडिया को एक्वायर? किसने कर लिया है? तो भारत पे ने किया है और भारत पे अभी क्वेश्चन आया था, याद ही होगा आपको, ICC का 3 सालों के लिए पार्टनर बन गया है ये। चलिए, अच्छा, भारत पे के बारे में क्या जानते हो आप? 2018 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसको इसके इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसके CEO हैं असनीर ग्रोवर। कौन है? असनीर ग्रोवर। अगला देखते हैं, EIU की दुनिया की निवास योग्य शहरों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो इसके द्वारा दुनिया के निवास योग्य शहरों की लिस्ट जो जारी की गई है, सबसे अच्छे निवास योग्य शहरों की लिस्ट, इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है दोस्तों ऑकलैंड। कौन है? टॉप पर है ऑकलैंड, ठीक है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है ओसाका। ऑकलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का शहर है, ओसाका जो है ये जापान का शहर है। थर्ड पर एडिलेड है, फोर्थ पर वेलिंगटन, पाँचवें स्थान पर है टोक्यो, ठीक है। EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना दोस्तों हुई थी 1946 में, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। अगला देखते हैं, अगला है, G7 सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, G7 समिट 2021 की मेज़बानी किसने की है? अभी इस पर वीडियो आपको दी गई है, डिटेल वीडियो। यूनाइटेड किंगडम में हुआ था ये आयोजित, यूनाइटेड किंगडम के कार्निवाल में आयोजित हुआ, ठीक है। G7 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, इस वीडियो का देखिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, नियोलन मेसी ने को पीछे छोड़ करके दूसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? नियोलल मेसी दूसरे सबसे ज़्यादा ये गोल करने वाले खिलाड़ी थे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, लेकिन इनको पीछे छोड़ दिया है किसने? सुनील छेत्री ने, भारत के सुनील छेत्री ने दोस्तों इनको अंतर्राष्ट्रीय खेलों में गोल करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने 74 गोल किए हुए हैं, ठीक है, 74 गोल कर दिए हुए हैं सुनील छेत्री ने। टॉप पर कौन है? टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने 103 गोल किए हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों की यहाँ पर बात हो रही है। अगला, विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान कितना लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है 2020-21 की फाइनेंशियल ईयर में GDP ग्रोथ कितनी हो सकेगी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, तो दोस्तों वो होगी 8.3%, ठीक है, 8.3%। और इसके बाद अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा इसके लिए भी प्रिडिक्ट किया है वर्ल्ड बैंक ने 7.5% का, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? Washington DC में। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपासी। अगला, किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए आई फेमिलिया नामक ग्लोबल डाटाबेस लॉन्च किया? तो इसको किसने लॉन्च किया है? इंटरपोल ने। किसने? इंटरपोल ने लॉन्च किया है। अब DNA के माध्यम से ही इंटरपोल पहचान कर पाएगा लापता व्यक्तियों की। इंटरपोल के बारे में बात करें दोस्तों तो इसे इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इसका फुल फॉर्म होता है, दुनिया की पुलिस कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लियोन में, फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में और इसके अध्यक्ष हैं किम जोंग योंग। कौन है? किम जोंग योंग। अगला,
हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी कौन रही? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022, इसमें भारत की जो यूनिवर्सिटियाँ थी इसमें टॉप पर कौन है, ये है क्वेश्चन। तो इसमें टॉप पर रहा है दोस्तों IIT बॉम्बे, लेकिन ओवरऑल IIT बॉम्बे की रैंक कितनी थी? ओवरऑल 177वीं रैंक थी, 177वीं रैंक। सेकेंड पर अगर बात करें दूसरी भारतीय यूनिवर्सिटी कौन सी थी इस लिस्ट में, तो वो थी IIT दिल्ली जो कि 150वें ओवरऑल रैंक पर थी। तीसरे पर था IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जो ओवरऑल रैंक 186वें के साथ था इस लिस्ट में। यानी टॉप 200 में केवल तीन भारतीय यूनिवर्सिटी को जगह मिली। और टॉप थ्री की बात करें तो ये तो वही रहता है, चेंज होता ही नहीं है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है वो पिछले दस बार से लगातार टॉप कर रही है। सेकंड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, थर्ड पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक साथ इस बार। अगला, हाल ही में किसे असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? असम का 7वां नेशनल पार्क, देखिए इसी महीने में दोस्तों कुछ दिनों के अंदर ही असम का 6वां और 7वां दो नेशनल पार्क आया हुआ है, 6वां और 7वां। तो याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन पूछा है 7वां, तो 7वां नेशनल पार्क दोस्तों देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को चुना गया है, जबकि 6ठा नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क को चुना गया है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, असम में अब 7 नेशनल पार्क हैं। अगला, बिटकॉइन को लीगल टेंडर देने का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है कौन? अल सल्वाडोर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अच्छा बिटकॉइन के अभी इन्वेस्टमेंट पर भी एक रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया था कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में अमेरिका है टॉप पर, चाइना है सेकंड पर, और भारत का स्थान है 18वां। ठीक है, भारत 18वें स्थान पर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे RBI का पुनः डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? RBI का पुनः डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों महेश कुमार जैन जी को नियुक्त किया गया है। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कितने RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, अगर सबका नाम याद हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI के? चलिए अगला देखते हैं, RBI के बारे में भी आप लोग लिख दीजिएगा। अगला, फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? देखिए फेसबुक ने किसे अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको तो मैं बता ही चुका हूँ। स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी फेसबुक ने नियुक्त किया है, और फेसबुक का ही एक ब्रांड है, एक कंपनी है परेश बी लाल, जिसके नियुक्त किए गए हैं शिकायत अधिकारी व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी परेश बी लाल और फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीकली करंट अफेयर की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम लोगों ने 8 जून से लेकर के 14 जून तक के करंट अफेयर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से समझा। पहली वीक में हम लोग पहली वीक को समझे थे अच्छे से। अब मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 आने वाला है, ठीक है, जो भी आप लोग बहुत ही केयरफुली देख लीजिएगा। ठीक है, आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। करंट अफेयर की जिम्मेदारी आप हमें दे दो, निश्चिंत हो जाओ। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप लोग वीडियो वॉच कर लिया करो। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। शेयर करना मत भूलना, आप लोग शेयर नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता। आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करो, शेयर करोगे तभी हमें लगेगा कि इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आप भी हमारे लिए कुछ करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है, अपने दोस्तों के पास, ग्रुप्स में, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जहाँ पर भी कोई ग्रुप हो वहाँ पर भेज दिया करो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हिंदी का वीडियो कोर्स आया हुआ है, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं जिसके बाद इनका दाम बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये वीडियो कोर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया हुआ है। अगर आपने नहीं परचेज़ किया है तो आप लोग देर कर रहे हो। अगर आप UPSI, PET, RO, TET, लेखपाल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी में 100% स्कोर कर सकते हो। जाओ जल्दी से, फ्री में डेमो क्लास अवेलेबल है, जाइए देखिए MZT ऐप पर। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, आपको वीडियो कोर्स लेने में हेल्प की जाएगी। तो फिलहाल रखते हैं दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो आप करोगे ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।